आप सबको मालूम है जो आज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, संविधान बनाने में इनकी कोई भूमिका नहीं। चुनाव जीतने के लिए लोकतंत्र का मुखौटा लगा करके सत्ता में आए हैं, इसीलिए आज जो कुछ देश में हो रहा है, भय का हिंसा का माहौल है, लोकतंत्र खतरे में है। इसीलिए एक तरफ प्रधानमंत्री पूरे मुल्क को गुमराह कर रहे हैं NRC को लेकर के, चर्चा भी नहीं हुई, लागू नहीं कर रहे हैं, क्यों आरोप लगा रहे हमारे ऊपर। और दूसरी तरफ यहाँ के गृह मंत्री जिस रूप में 4 महीने चिल्ला रहे थे पूरे मुल्क में, एक एक राज्य में हम लोग लागू करेंगे NRC को, तो पूरा देश समझ सकता है ये पूरे मुल्क को कहाँ ले आना चाहते हैं, किस प्रकार देश को बांटना चाहते हैं धर्म के नाम पर। ये इनका एजेंडा जो है, जो RSS का एजेंडा है, ये मुल्क कभी स्वीकार नहीं करेगा। हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, इनको खुल के कहना चाहिए, मुकाबला करने के लिए तैयार है हम लोग सब, पूरा देश तैयार है। पर जिस प्रकार की हरकतें हो रही है देश के अंदर, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए कल राजस्थान के अंदर 5 लाख की आवाम के सामने हमने घोषणा करी है, राजस्थान में ना नागरिक संशोधन कानून लागू होगा और ना NRC लागू की जाएगी। ये हमारे संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। संविधान की मूल भावना कभी नहीं रही। इस प्रकार के फैसले आप एक तरफा करो, बहुमत में आना एक बात है, पर जनता क्या चाहती है, आवाम क्या चाहती है, उसके आधार पर फैसले करना दूसरी बात है। इसलिए मैं भारत के संविधान के प्रीएम्बल को पढ़ के सुनाऊंगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए जनसंकल्प है। धन्यवाद।